हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपको आपका एग्जाम क्लियर कराने में और अच्छे मार्क्स दिलाने में इनफैक्ट बिल्कुल हेल्प करेंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक गिवन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन से पहले इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे हिंदी में। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो डिस्कस अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जनरली हर ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता है, बाय चांस अगर इस पे नहीं आता है तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप पहले लिखेंगे ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों के करेक्टरिस्टिक्स, फिर आप उनका डिफरेंस बताएंगे, फिर दोनों के प्रिंसिपल्स लिखेंगे, फिर आप बताएंगे हेरिडिटी का मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, ऐसे ही एनवायरनमेंट का मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर आप स्विच करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर टू, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन जीन पियाजे'स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है डेवलपमेंट की, उस पे क्वेश्चन ना आए ऐसा किसी ही साल में होता होगा, अदरवाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी हो गया। अब देखिए, यहाँ पे ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी हो गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई आपकी टॉलमैन की थ्योरी हो गई, ठीक है, साइन लर्निंग थ्योरी। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्लासिकल कंडीशन एंड ऑपरेशनल कंडीशनिंग टॉलमैन, एंड यहाँ पे थॉर्नडाइक की है, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कुछ थ्योरीज हैं, एक ना एक क्वेश्चन पे तो 100%, देखिए एक एक ना एक थ्योरी पे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, कई बार दो पूछ लेता है तो कई बार तीन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन जनरली मैं बात करूँ तो दो थ्योरीज आपको बिल्कुल देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इज़ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसके कारण कॉज बताने आपको, और फिर एजुकेशन में क्या क्या उसके लिए हमने इम्प्लाई किया है। ठीक है, कि हर तरह का बच्चा हमें मिलता है क्लास में, कोई भी दो बच्चे सेम नहीं होते हैं, क्या इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से एजुकेशन में इम्प्लीकेशंस डाले गए हैं, वो आपको लिखना है। इसी का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंट्रा एंड इंटर इंडिविजुअल चिल्ड्रेन। देखिए, कई बार इंट्रा और इंटर इंडिविजुअल चिल्ड्रेन पे 16 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ जाता है, मे बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ना आए, पर चांसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ज़्यादा है, 95% ये क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी इंटर और इंट्रा भी पूछ लिया जाता है इसके बदले। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्वेश्चन अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है, वो है प्ले के बारे में। ठीक है, देखिए प्ले के का जो ये टॉपिक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर वो वीडियो वो लेक्चर आप एक बार अटेंड कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम ये टॉपिक याद रहेगा, इस चीज़ की मैं पूरी गारंटी लेती हूँ। यहाँ पे मैं आई बटन में आपको लिंक दे रही हूँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही उम्दा लेक्चर यहाँ पर आपको मिलेगा, एंड यू विल एबल टू लर्न दैट प्ले बेसिकली है क्या, क्यों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्ले पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि डिफरेंस बिटवीन बताओ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, बट हो सकता है क्या पता कंबाइंड में भी आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन लर्निंग थ्योरी ऑफ टॉलमैन, इसके बारे में आपको लिखना है, फिर ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो है यूनिट 4 से, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीविएशन, डेप्रीविएशन से आप क्या समझते हैं, डिस्कस चाइल्डहुड इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, कि आपको डिस्कस करना है क्या, पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं होगा, यूनिट 4 से बिल्कुल देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन जो यूनिट 4 से फिक्स्ड है, बिल्कुल 100%
वो है ग्लोबलाइजेशन पे। हो सकता है ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी पूछ लिया जाए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कंट्रास्ट में ही पूछा जाएगा और इस पे क्वेश्चन फिक्स्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, और साथ में देखिए लर्निंग के साथ क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है उसके बारे में पूछा गया है, देन उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, एंड यहाँ पे देखिए साथ में गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए इस पे मैं आपको मार्क करना भूल गई, ये थ्योरी भी है, ऐसा नहीं है कि इनमें से एक पे इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको भी येलो से मार्क कर देते हैं सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी थ्योरीज हैं वो मैंने येलो से मार्क की है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें, आप ये थ्योरी ज़रूर करें। हो सकता है आपको एक पे क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है आपको दो या तीन क्वेश्चन थ्योरीज पे आ जाए। ठीक है, दो की ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे, तीन के फिर भी कम होते हैं। ठीक है, तो थ्योरीज इज समथिंग जो आप छोड़ नहीं सकते हैं इस सब्जेक्ट में, ये इस सब्जेक्ट की पहचान है, रूट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हाउ पेरेंटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंस। कैसे पेरेंटिंग स्टाइल असर डालते हैं बच्चे पे और एडोलेसेंस एज पे, चाइल्डहुड पे और एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था पे। देखिए पेरेंटिंग स्टाइल का क्वेश्चन चाहे 4 मार्क्स में आए या 16 में, बट ये आएगा ज़रूर। ठीक है, तो पेरेंटिंग स्टाइल एक ऐसा टॉपिक है जो आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट से स्किप नहीं कर सकते हैं, इस पे भी डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंडीशनिंग, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछा हुआ है, एंड इस थ्योरी पे भी क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये थ्योरी किसने दी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन एडिशनल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी आता है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कॉजेज ऑफ एग्रेसिवनेस क्या होते हैं, एग्रेशन आपको बताना है, मतलब ऐसा कोई जनरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये 10 कर लेते हैं, देखिए ये 10 कर लेते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। साथ में मैं आपको बताऊं अर्बनाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है वो भी करना है। कई बार पूछ लेता है कि स्लम में जो बच्चे रहते हैं उनके बारे में बताओ, तो यहाँ पे देखिए बाकी क्वेश्चंस जनरल है। ठीक है, थोड़े से अगर आ जाता है तो उसके चांसेस बहुत कम है, डाइसीनेस है, बाकी ये इतना है, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके इस चैप्टर से। ये आप कर लेते हैं तो आप अच्छे से पास कर पाएंगे अपना एग्ज़ाम, अच्छे नंबरों से बिल्कुल अपनी बीएड कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो 70% प्लस आपके बिल्कुल आएंगे, पर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यही क्वेश्चंस हिंदी में। सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हिंदी में हैं, एंड जो भी हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये क्वेश्चंस देखें। पहला है वृद्धि और विकास के बीच अंतर आपको बताना है, वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या आपको करनी है। पहले अंतर पूछा है किसके बीच, वृद्धि और विकास के बीच। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए हेरिडिटी और एनवायरमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है अक्सर, जो कि है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच में भी चर्चा आपको यहाँ पे करनी है। तो इस तरीके से आपका 16 नंबर का पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है एंड इसके बिना क्वेश्चन पेपर थोड़ा अधूरा भी लगता है, वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, विस्तार से आपको इसके बारे में लिखना है। अगला है यहाँ पे व्यक्तिगत अंतर का क्या अर्थ होता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उसके कॉजेज यानी कि कारण आपको बताने हैं, प्लस आप बताएंगे शैक्षिक प्रभाव उसके। ठीक है, और कभी कभी आ जाता है आपसे इंटर और इंट्रा इंडिविजुअल चिल्ड्रेन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर खेल, देखिए खेल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है अगेन, तो दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट स्किप फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, इसको आप इस सब्जेक्ट से निकाल नहीं सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है इस सब्जेक्ट के लिए। अगला है यहाँ पे देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे टॉलमेन की थ्योरी है, ब्रूनर की थ्योरी है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे गार्डनर की थ्योरी है, ठीक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है, यहाँ पे देखिए ये वाला भी करेंगे हम, शास्त्रीय कंडीशनिंग और
संचालक कंडीशनिंग की थ्योरी है, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जिन पे आपको क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। हो सकता है आपसे एक ही क्वेश्चन पूछे, हो सकता है दो पूछ ले, हो सकता है तीन पूछ ले। जनरली दो क्वेश्चन पेपर में डाले जाते हैं, पर कई बार हमें तीन क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं और एक क्वेश्चन भी देखने को मिला है, बट जनरली दो पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरीज के क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट होते हैं, आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, वही आपको उसी सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज तरीके से अपना आंसर लिखना होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अभाव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। गरीबी और वैश्वीकरण के बीच संदर्भ में बचपन की चर्चा करें, ठीक है। तो देखिए ये आपका यूनिट 4 से क्वेश्चन है, यूनिट 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको अच्छे से ज़रूर पढ़ें, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी। साथ में स्लम में जो बच्चे रहते हैं ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। सीखने से आपका क्या मतलब है, और थॉर्नडाइक के परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पे आ गया थॉर्नडाइक का क्वेश्चन, यहाँ पर आ गया गार्डनर का, ठीक है। होप सो आप सभी को क्लियर होगा कि क्यों हम बोल रहे हैं बार बार कि ये ज़रूरी है, ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेपर पैटर्न अगर आप लास्ट देखते हैं तो उनमें ये चीज़ें हमेशा आई है, ठीक है। आगे यहाँ पे कैसे पालन पोषण शैली बचपन और किशोरावस्था के विकास विकासात्मक पहलुओं को प्रभावित करती है, विस्तार से चर्चा करें। देखिए पेरेंटिंग स्टाइल, पालन पोषण शैली पे चाहे 4 नंबर में क्वेश्चन आए या 16 नंबर में कंबाइंड होकर आए, पर ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आपको क्वेश्चन पेपर अधूरा लगेगा, बन नहीं सकता है। तो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप अगेन मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंडीशनिंग पे, तो दोनों तरह की कंडीशनिंग के बारे में आपको लिखना है, प्लस ये थ्योरी किसने दी आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखिए यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन जो है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इनको ज़रूर करें, ठीक है। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यही था इस वीडियो के लिए, एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप्स में ताकि हमारा चैनल उन सभी स्टूडेंट्स की भी मदद कर पाए। थैंक यू।